बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस। हे गाइस, इफ यू न्यू हेयर, माय नेम इज सामिया, आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रूट फेशियल किट। आज हम बात करेंगे ये फेशियल कैसा है, ये कैसा रिजल्ट देता है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, किस स्किन पर हम यूज कर सकते हैं, किस स्किन पर यूज नहीं कर सकते, इसके स्टेप्स कितने हैं, कितने स्टेप्स में और कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। फिबीला के फेस वॉशेस भी बहुत फेमस है, एक्नी स्किन के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, हर किस्म की स्किन के लिए फिबीला में फेस वॉशेस मौजूद हैं, जो कि बहुत सी गर्ल्स, बहुत से बॉयज ट्राई भी करते हैं, बहुत सी स्किन पर सूट करते हैं। इसलिए आज बात करते हैं इनकी फेशियल किट के बारे में कि ये कैसी है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट क्लियर, ब्राइट, स्पॉटलेस, फेयर स्किन विद दिस फ्रूट फेशियल, सो स्टे ट्यून। बात करते हैं कि हम आउटफिट्स ब्रांडेड यूज करते हैं, शूज ब्रांडेड यूज करते हैं, इवन ज्वेलरी, क्लचेस, आजकल हम सब कुछ ब्रांडेड यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव यूज कर रहे हैं, जबकि हम स्किन की कोई केयर ही नहीं करते, स्किन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करते। इवन सबसे ज्यादा जरूरत हमारी स्किन को होती है, हमारी स्किन एक ऐसी चीज है जिस पर कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल भी परवाह नहीं करते अपनी स्किन की, बस अगर कुछ मिल गया तो स्किन पर लगा लिया, ना मिला तो। जबकि हमारी स्किन को वीकली क्लींजिंग की और मंथली फेशियल की जरूरत होती है, एक अच्छे मसाज की, अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ फेशियल की मंथली जरूरत होती है। ये सिर्फ मैं उन गर्ल्स की बात कर रही हूँ, उन वुमेन्स की बात कर रही हूँ जो कि घर में रहती है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनका बाहर डेली बेसिस पे आना जाना नहीं, जबकि जो लड़कियां कॉलेजेस वगैरह जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं और जो जॉब करती हैं, उनको डेली क्लींजिंग की जरूरत होती है, उनको चाहिए कि वो अपने फेस को डेली क्लीन करें, अपनी क्लींजिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट होती है और वो डस्ट आपकी फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम करती है। आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम इस वजह से होती है, आपको व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम इस वजह से होती है। नॉट ओनली गर्ल्स, इनफैक्ट बॉयज को भी चाहिए कि वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर बहुत ज्यादा करें, उनकी स्किन को भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा देर धूप में रहना होता है, उन्होंने ज्यादा बाहर रहना होता है। यू कैन सी फबीला फेशियल किट का फर्स्ट स्टेप ये है, व्हाइटनिंग डे क्रीम, जो कि हम मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं और डेली बेसिस पर इसको यूज कर सकते हैं। इसका टेक्सचर फेयर एंड लवली जैसा है, आप इसको हैंड्स पे भी यूज कर सकते हैं, फूट्स पे भी यूज कर सकते हैं और फेस पे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपने क्लींजिंग नहीं करनी, इनका मेथड थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, बहुत से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि प्लीज इस फेशियल का रिव्यू दे दें, इस फेशियल के बारे में बता दें, किस किस स्टेप्स हम कैसे यूज करें। इनका मेथड थोड़ा सा चेंज है, बल्कि काफी चेंज है, जो कि हमारे पास आम फेशियल्स घर में मौजूद होते हैं उनसे इनका मेथड काफी चेंज है। इनके फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको बताया, व्हाइटनिंग डे क्रीम है, जबकि इनके सेकेंड स्टेप जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, व्हाइटनिंग स्किन पॉलिश क्रीम है। व्हाइटनिंग स्किन पॉलिश क्रीम के इंग्रेडिएंट्स में ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट है, इसको आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं, इसको आपने क्रीम की तरह अप्लाई नहीं करना, स्किन पॉलिश की तरह ही अप्लाई करना है। जैसे कि आपने एक दो मिनट इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लिया, एक दो मिनट तक अपने फेस पर इसको मसाज की, यानी कि क्लींजिंग की, मसाज नहीं करनी, जस्ट क्लींजिंग करनी है अपने फेस की इसके साथ क्लींजिंग की और 2 से 3 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर लिया। ये फेशियल का सेकंड स्टेप है। ये स्किन पॉलिश आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपके डेड स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव करती है, आपकी स्किन को मजीद स्मूथ और मॉइस्चराइज करती है। इस पर मेंशन है कि आप इसको स्किन, फेस की स्किन और नेक पर यूज कीजिएगा, ये इरिटेट आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी, यानी कि इसमें कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट, कोई ऐसी
ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो आके आपकी स्किन को इरिटेट करे या जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो। थर्ड स्टेप पर इसकी आ जाते हैं। थर्ड स्टेप किसकी बात करें तो थर्ड स्टेप में इसका मड मास्क मौजूद है जैसा कि हम देख रहे हैं। व्हाइटनिंग मड मास्क है, इसको अपने मास्क की तरह ही यूज करना है। आपने इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर अपने फेस पर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एक्सट्रैक्ट की अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें मौजूद है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है पूरे फेशियल किट में। सारी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है, इस तरह ही मेंशन किया हुआ है। ऊपर मैंने इसको यूज भी करके देखा है, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। फोर्थ स्टेप है इनका व्हाइटनिंग मसाज क्रीम और व्हाइटनिंग क्लींजर। वैसे तो ये काफी उल्टे चल रहे हैं, लेकिन मैं इनकी प्रोडक्ट्स जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है बिल्कुल वैसे ही यूज करती हूँ, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फोर्थ स्टेप की अगर बात करें तो आपने इसको एज ए मसाज ही यूज करना है। लाइक जैसे आप मसाज करते हैं आप इस क्रीम को बिल्कुल उसी तरह यूज कीजिएगा। इसके साथ इसी में आपकी क्लींजिंग भी आ जाएगी, इसी में आपकी क्लींजिंग भी हो जाएगी। इन पर मेंशन है ये क्रीम नॉन ग्रीसी नॉन ड्राइंग है। डायरेक्शन फॉर यूज, अप्लाई ऑन वेट फेस जेंटली मसाज एंड वाइप आउट। आप इसको मसाज की तरह अप्लाई कीजिएगा, मसाज के सारे स्टेप इसके साथ कीजिएगा। आप इसके साथ अपना मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक एज ए क्लींजर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप की अगर इसकी बात करें तो फिफ्थ स्टेप में है इसका स्क्रब। इसको स्क्रबिंग की तरह ही यूज करना है। इसको बहुत ज्यादा अपने बहुत कम अमाउंट में आपने इसको अपनी फिंगर टिप्स पर लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। जस्ट क्लींजिंग करनी है इसके साथ, यानी कि बहुत सॉफ्टली हैंड के साथ आपने इसको अप्लाई करना है। इसको रब अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी स्क्रब आप यूज कर रहे हो आप उसको अपने फेस पर रब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो कि आपके फेस को, आपकी डेड सेल्स को, आपकी डेड स्किन को रिमूव करते हैं। और जब आप उनको टाइट हैंडली, यानी कि जब आप उनको बहुत ज्यादा अपने फेस पर रब करते हैं या उसकी उसको बहुत ज्यादा अपने फेस पर अप्लाई कर देते हैं, तो आपकी स्किन के लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ स्टेप में आ जाता है इनकी मिनिमाइजिंग क्रीम, पोर्स मिनिमाइजिंग क्रीम है ये। व्हाइटनिंग पोर्स मिनिमाइजिंग क्रीम है। इसमें तमाम स्टेप इसके यूज करने के बाद आप ये क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रीम का मकसद यह है कि ये आपके पोर्स जो फेशियल के बाद ओपन हो जाते हैं, ये उन पोर्स को मिनिमाइज करता है, जो कि हर फेशियल में ये स्टेप मौजूद नहीं होता। जबकि जैसे ही हम फेशियल करते हैं हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब हम ये मिनिमाइज क्रीम या आप कोई भी मास्क, कोई भी फेस पैक जब हम यूज नहीं करते तो वो हमारे पोर्स ओपन ही रहते हैं और उसमें बकायदा डस्ट चली जाती है, और हमें फेशियल करने का या क्लींसिंग करने का या स्क्रबिंग करने का, अपने फेस को एक्सफोलिएट करने ये था फेबीला की फेशियल किट का रिव्यू जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आपको बताया कि आप इस फेशियल किट को किसी भी किस्म की स्किन पर यूज कर सकते हैं, यानी कि आपकी जैसी भी स्किन है, एक्नी स्किन, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, जैसी भी स्किन है, आप ये फेशियल किट, आप ये फ्रूट फेशियल अपने फेस पर यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली थाईलैंड का ब्रांड है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इंस्टेंट रिजल्ट है, व्हाइटनिंग फेशियल है। इफ यू ट्राई दिस डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।